हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका यूपी SSSC एग्ज़ाम क्रैकर में स्वागत करता हूं तहे दिल से। दोस्तों बहुत लड़के कह रहे थे GS का भेजिए, GS का भेजिए, तो मैं आज उत्तर प्रदेश के जो GS अच्छे अच्छे आए हुए हैं दोस्तों उनका आज मैं भेजूंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, आप उनको याद कीजिए। और जो लड़के 10 क्वेश्चन वाला आजकल वीडियो जो चल रहा है बहुत दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट जानता हूँ ना, क्योंकि मैं कई बार पेपर दे चुका हूँ, मैं जानता हूँ क्या कैसे आना है। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा बात बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट दोस्तों हैं, आप मन के कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, राव समिति और सिंघवी समिति। तो आपको इसी दो में कन्फ्यूजन होगा, बलवंत राय मेहता में और अशोक मेहता में। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता ने ही सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की स्वीकृति, मतलब वो सिफारिश की थी संसद के पटल पर और अपनी रिपोर्ट भेजी थी दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? पहला प्रधान, दूसरा क्षेत्र प्रमुख, तीसरा जिला पंचायत अध्यक्ष, चौथा सरपंच और पाँचवा पंच। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो दोस्तों समय समाप्त हुआ, इसका जो आंसर दोस्तों है वो सी से आंसर सही। पहला दोस्तों देखिए किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है, तो पहला देखिए पहला प्रधान, ठीक दोस्तों, दूसरा सरपंच और तीसरा पंच। अब देखिए दोस्तों क्षेत्र प्रमुख जो होते हैं ये चुन के जाते हैं किसी जो सदस्य होते हैं, और जिला पंचायत आप जानते होंगे जो ब्लॉक स्तर पे सभी सदस्य चुने जाते हैं, उन सदस्यों द्वारा चुनने के बाद एक जिला पंचायत अध्यक्ष ही का जो उत्तर प्रदेश में रहता है जानता है दोस्तों, बहुत मारपीट होता है इसके लिए, डकैती कभी पड़ जाती है, किसी को अपहरण कर लिया जाता है जितवाने के लिए हमारे पक्ष में वोट डालो। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर जो दोस्तों है वो डी दे रहा है, लेकिन इसको दोस्तों क्वेश्चन हटा लीजिए, ये पुराना क्वेश्चन है तो ये आप हटा सकते हैं। ये आज फैजाबाद अयोध्या, ये जो दोस्तों हैं ये 16वां या 15वां मुझे याद नहीं कन्फर्म दोस्तों नगर निगम बन चुका है, और उसके साथ वृंदावन और मथुरा को भी कंबाइन करके एक नगर निगम बनाया जा चुका है। अगला दोस्तों जो सत्रहवां बनने जा रहा है वो शाहजहाँपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वो जो मेन नगर है दोस्तों वो बनने जा रहा है 17वां नगर निगम उत्तर प्रदेश का। अगला दोस्तों है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो बताइए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, किसी का दिमाग काम किया कि नहीं किया? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं किया तो चलिए ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था 4 × 3। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के गठन में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो दोस्तों इसको बच्चा बच्चा जानता है, बताइए आप फिलहाल। तो दोस्तों इसका आंसर ये सही है, 40 अनुच्छेद दोस्तों, ये नीति निदेशक तत्व तो हैं, 35 या 36 से लेके 50 या 51 तक, और फिर 51A में ही जोड़ा गया है आपका मौलिक कर्तव्य। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है, हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, वह 5 वर्ष तक पद धारण किए रह सकता है, ठीक दोस्तों, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों यही आप जो बच्चा जानता होगा ये गलत है दोस्तों। दोस्तों मेरा अनएकेडमी का चैनल है, आप अनएकेडमी मैंने वीडियो बनाया था तो आप देख भी सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपका राज्यपाल के बारे में दोस्तों, अच्छा वीडियो था। तो दोस्तों मैंने बताया था ये जो कई लोगों का कन्फ्यूजन, 5 साल के पहले कैसे हटा दिए जाते हैं, दोस्तों ये नियम तो 5 साल का है, लेकिन ये जो पद होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, तो प्रसाद पर्यंत जब मन का आदमी रखे जब मन का हटा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजकीय चिन्ह में नहीं है मछली, धनुष, मोर की तीर? तो इसमें मोर नहीं है दोस्तों राजकीय चिन्ह में, अरे कभी आप देखेंगे। अच्छा एक मिनट बता रहा हूँ, मेरा जो चैनल है UP SSSC एग्ज़ाम क्रैकर में, तो उसमें उत्तर प्रदेश का सिंबल बना होगा, उत्तर प्रदेश का सिंबल जाके बाद देख लीजिएगा, आप जान जाएंगे कोई अगर कन्फ्यूजन होगा आप।
अगला दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक दोस्तों, सुमेलित कर्ककूट से सही उत्तर दीजिए दोस्तों। तो कानपुर देहात बताइए दोस्तों। तो पहले का चौथा जाएगा जालौन का दोस्तों, उड़ई, जालौन का उड़ई हो जाएगा। दूसरा दोस्तों हो जाएगा ये अकबरपुर दोस्तों, अकबरपुर कोई लड़का होगा जानता है अकबरपुर, वहाँ एक कुछ क्षेत्र टाइप का है। फिर संत कवि रविदास नगर भदोही, उसके बाद कुशीनगर का पड़ौना, ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। दोस्तों कुछ एक्सटर्नल जानकारी होना जरूरी है, एक्सटर्नल जानकारी से बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुष्प है, बच्चा बच्चा जानता है बताइए। हाँ लड़कों कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया कि पलाव 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 रटे हैं। तो दोस्तों इसका एक नाम और भी है, वो है टेसु। ठीक दोस्तों, राजपाल संबंधित निम्न कथनों में से सही का चुनाव कीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो सही चुनाव है ना, और एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है दोस्तों। तो ये सही है, 35 वर्ष सही है, ये सही है। तो 1 2 4 मतलब सी आंसर सही है दोस्तों। अगला, पंचायती राज व्यवस्था एक व्यवस्था है बताइए, स्थानीय स्वशासन की जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा तो बहुत लोग लॉग आउट कर लेंगे, देखेंगे नहीं पूरा वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर ये मेरा वीडियो 2 लोग भी देख लेते हैं पूरा, तो पूरा तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगला देखिए दोस्तों, 12वां, इसमें 11वां तो देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था एक व्यवस्था है दोस्तों, बताइए कैसी व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, त्रितांत्रिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। तो दोस्तों 11वें का सी सही होगा दोस्तों, पहला दूसरा और तीसरा सही है, ये चौथा गलत है दोस्तों। अगला दोस्तों, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों में प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है, कारण कथन है दोस्तों। दूसरा है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो दोस्तों ये जो आंसर दोस्तों वो ए सही है दोस्तों, देखिए दोनों सही है, और ये जो व्याख्या कर रहा है बी वाला, ए की व्याख्या कर रहा है दोस्तों, ये इसके बारे में बताया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत कठिन है थोड़ा, लेकिन कारण कथन थोड़े कठिन आते ही हैं। अगला दोस्तों, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी बताइए। बताइए दोस्तों, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 108 थी दोस्तों। अगला, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं की महिला के लिए आरक्षण है, बच्चा बच्चा जानता है, 1/3। अगला दोस्तों है, राज्य उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है दोस्तों, ये सब दोस्तों आप कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये सब बता दे रहा हूँ आंसर। इसका आंसर बी सही होगा दोस्तों, इसका आंसर बी सही होगा, 1 2 3। उत्तर प्रदेश में राजकीय पंछी है सारस, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, 2005 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा सी, डी डी सॉरी दोस्तों, कानपुर, कानपुर। अगला दोस्तों है, पंचायत चुनाव लड़ने हैं तो एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है, और वो आंसर दोस्तों है इसका आंसर 21। अगला दोस्तों, प्रदेश में नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर नगर के निवासकों द्वारा, निगम के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो मुझे लगता है दोस्तों, अगर आपने ये प्रश्न देखा होगा और कभी वोट जो लड़के गए होंगे देने, तो जानते होंगे मेयर के लिए अलग सीधा चुनाव होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, पार्षद के लिए भी सीधा चुनाव होता है। राज्य की 16वीं विधानसभा चुनाव में महिलाओं की परसेंटेज, ये आप मारिए गोली,
ये अब आने वाला नहीं है, लेकिन अब जाके नेट पे सर्च मार के अब की 17वीं लोकसभा के बारे में जानकारी ले लीजिए। फिलहाल मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उसको आपको बताऊंगा, उसमें डिस्क्राइब करूंगा पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं रहे हैं? तो राम नरेश यादव, नित्यानंद स्वामी, TN सिंह की अगला जो गोविंद वल्लभ पंत। तो पहले गोविंद ये फर्ज दोस्तों, ये सी नित्यानंद स्वामी जी नहीं बने हैं। एक बार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो अगला दोस्तों है 22 का, और 22 का बी सही होगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर भी एक है, और वो हैं बच्चा बच्चा जानता है, महिला मायावती जी, कुमारी बहन मायावती जी। अगला दोस्तों हैं गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है नोएडा है। तो इससे सॉरी दोस्तों, मेरा तकिया कलाम हो गया बच्चा बच्चा, लेकिन सॉरी कि अब मैं नहीं निकालूंगा मुख से अपने। अगला दोस्तों है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। ये दोस्तों सॉरी गलती हो गई, ये निकला है नीचे। अगला दोस्तों है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। सबसे पुराना संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, कोई मैं गया भी यहाँ हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा है, आप भी जाइए अगर लखनऊ कभी गए हों। अगला दोस्तों है राजकीय बौद्ध संग्रहालय निम्न में से नहीं है, कहाँ नहीं है दोस्तों? सिद्धार्थनगर, पिपरहवा, गोरखपुर, कुशीनगर। तो दोस्तों सिद्धार्थनगर में नहीं है, पिपरहवा में भी है, कुशीनगर तो इसका एक प्रकार से क्षेत्र ही है, और गोरखपुर में भी दोस्तों है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालयों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों ये तीन आंसर सही है, मैंने ये देखिए गोरखपुर, पिपरहवा और कुशीनगर। अगला दोस्तों है मोतीलाल बाल संग्रहालय स्थित है, मोतीलाल बाल संग्रहालय स्थित है दोस्तों, वो डी सही है। अगला राजकीय अभिलेखागार स्थित है, तो दोस्तों इसका बी सही लग रहा है दोस्तों, कहाँ? लखनऊ, लखनऊ। अगला दोस्तों है उत्तर प्रदेश किसी अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों वो भी लखनऊ में, मतलब कई चीज़ मैं देखा हूँ दोस्तों लखनऊ में, अब मुझे लगता है ये भी लखनऊ में होगा, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों। तो इसका आंसर भी दोस्तों मुझे लगता है लखनऊ ही है। अगला दोस्तों आलू अनुसंधान केंद्र है, आलू अनुसंधान केंद्र है, बताइए दोस्तों। समय समाप्त, दोस्तों इसका आंसर बी सही है। भारतीय साग भाजी, ये वाराणसी में दोस्तों मुझे लग रहा है, एक मिनट देख लेते हैं, 9वें का सी सही है दोस्तों, वाराणसी। भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान, इसका दोस्तों आंसर सी सही है। दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है, केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है दोस्तों। समय समाप्त हुआ, लखनऊ फिर, कई चीज़ दोस्तों लखनऊ ही मानेंगे, और लखनऊ में तो करो रट लीजिए। मैं मुझे याद है दोस्तों, एक बार मैं कंडक्टर की वैकेंसी का पेपर देने गया था, तो मेरे चार क्वेश्चन ऐसे फंस गए कि जो योजना से आए हुए थे, और मैं बस से जा रहा था, और बस अड्डे पे और दुनिया दो चार जो बैनर टले मतलब लगा हुआ था, उस पर पूरी जानकारी दी हुई थी। तो कभी आप जाइए तो आरी बगल दोस्तों, तो आप गुजरे होंगे उस संस्थान के स्थान सामने से, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। राष्ट्रीय विश अनुसंधान भी दोस्तों लखनऊ में है, जो लड़के पेपर देने गए हैं मुंशी पुलिया की ओर से, वो भी देखे होंगे कभी, उधर साइड ही पड़ता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों बताइए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में दोस्तों। अगला प्रथम फॉर्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक दोस्तों, प्रथम उत्तर प्रदेश का टेक्नोलॉजी पार्क, तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो बी सही है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में, और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला दोस्तों है नए नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, नए नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है,
इसका आंसर दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर ग्रेटर नोएडा होगा, नोएडा नहीं, ग्रेटर नोएडा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है दोस्तों, इसको आप मारिए, मैं इसको नहीं बताऊंगा, बताइए दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों बी सही है। ये सब दोस्तों रटने वाली चीज़ें, देखिए हर चीज़ आप याद नहीं कर पाएंगे, सही बात तो ये भी है। अब बताइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बताइए, टेक्निका सिटी जो है, बायोटेक पार्क जो गया होगा जानता होगा लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी भी जानते हैं, लेदर टेक आप उन्नाव, ये यही है दोस्तों, इसका आंसर बी होगा। ये तीनों जो है ये अपने स्थान पे सही हैं। स्कूल ऑफ पेपर, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो दोस्तों सहारनपुर में ये स्थित है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, मुरादाबाद, सही दोस्तों, झांसी, झांसी, गलती हो गया, झांसी में दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड और स्थित है दोस्तों, बताइए दोस्तों, समय आपके पास 4 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका आंसर सी सही होगा, कानपुर। केंद्रीय ग्लास और एंड सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो दोस्तों इसका खुर्जा में स्थित है। ये 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी और UP SSSC में भी आया हुआ है। भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ है, फिर वही चीज़ पूछ लिया दोस्तों, तो बता दीजिए कहाँ है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, झांसी में दोस्तों। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में है, एक मिनट दोस्तों चेक कर ले, लखनऊ में ही है इसे मुझे, हाँ दोस्तों सही है, लखनऊ में ही है दोस्तों, 1 सेकेंड, अनुसंधान है ना, लेकिन दोस्तों ये काउंसिल लिखा, वही मैं भी सोचा दोस्तों, ये काउंसिल पूछ रहा है, तो ये काउंसिल शाहजहाँपुर में दोस्तों, और अनुसंधान संस्थान पूछेगा दोस्तों तो लखनऊ में रहेगा, लेकिन अगर ये पूछ लेगा तो शाहजहाँपुर है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में दोस्तों। भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय, भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है या कहाँ प्रस्तावित है, तो ये रामपुर में प्रस्तावित है, अखिलेश के ज़माने में हुआ था घोषित, जो लड़का जानना हो जान ले। अगला दोस्तों है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, समय आपके पास कम है। कृषि अनुसंधान परिषद, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, लखनऊ में ही है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान बनारस में होना चाहिए दोस्तों, और उसके अलावा कहीं नहीं होना चाहिए। भारतीय साक्ष ये जो स्थित है, बताइए दोस्तों, इसका आंसर भी बनारस होगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, बरेली में। दोस्तों आप कई चीज़ देखे होंगे, हाँ अगला दोस्तों है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है दोस्तों, तो इसका 29 का बी होगा दोस्तों, लखनऊ में। तो फिलहाल दोस्तों आज मैंने GS की शुरुआत कर दी, और अब अच्छे GS मतलब प्रैक्टिस सेट टाइप का रहेगा, ऐसा नहीं कि फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल तो मैं डालूंगा दोस्तों, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छे से GS का पैटर्न दोस्तों, क्योंकि GS इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ बता दूँ, रीजनिंग सबको आता है दोस्तों, और हिंदी भी मुझे उम्मीद है ऐसा आएगा कि 50 में 40 लड़के कर लेंगे अच्छा सा, अगर ढंग से पढ़ लें, ठीक दोस्तों, पढ़ लें नहीं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट ही मान लें 40-50 बहुत है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों GS जो है वो सबके बस की बात नहीं है, तो ठीक दोस्तों, अगले वीडियो में भी शाम को मैं डालूंगा आज GS के लिए वो क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट, तो आप फॉलो कीजिएगा। हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता, कल मैं इलाहाबाद गया था, और इलाहाबाद में मैं देख रहा हूँ कि कैसे लोगों को चूतिया बनाते हैं दोस्तों, किताब कैसे छापे हैं वीडियो के लिए, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 50 क्वेश्चन वो क्या नाम है, जो अभी तक पेपर आए हुए हैं 25 UP SSSC के दोस्तों, ठीक, उसको सब पोर्शन अलग कर लिया है, हिंदी के लिए स्पेशल बना दिया है, 200 रुपये का किताब मिलेगी हिंदी, फिर वो जो पेपर अभी तक आए हुए हैं UP SSSC में, उसके बाद अलग बना दिया है मैथ के लिए, अलग बना दिया है रीजनिंग के लिए, अलग बना दिया है, मतलब सब कुछ अलग कर दिया, और किताब का नाम कर क्या कर दिया, 200 रुपये, 250 रुपये,
जो प्रैक्टिस सेट आपको 200 रुपये मिल जाती है, उसी चीज़ को सब कुछ अलग अलग करके वो 200-200 रुपये का 800-800 रुपये का बेच रहे हैं। तो दोस्तों मैं दिमाग में लगाया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं ये सब। तो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शाम को ही एक प्रैक्टिस सेट को किसी UP SSC का जो पेपर हुआ है उसका मैं भेज दूँगा, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक का हो, चाहे वो JEE का हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, मैं आपको भेजूंगा। डेमो देखिए, अच्छा लगे तो बताइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।